हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू द पार्ट फोर। अभी जो हमने जितने भी पार्ट कराए हैं उसके अंदर हमारा जो पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो कहाँ तक कंप्लीट हो गया है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से दो पार्ट आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिप्रेजेंटेशन से सेल इक्वेशन लिखना, ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल, ये भी आया था। इसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन आते हैं, दैट इज कॉल्ड नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होती है? नस्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने बताया था कि कोई भी सेल होता है, कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है अदर देन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड है तो वो हमें पता ही है कि भाई उसमें वन मोलर कंसंट्रेशन में उसको डिप किया गया है, स्टैंडर्ड का मतलब यही होता है। लेकिन हमें क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए नस्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रोड का और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो पोटेंशियल होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो कैसे डिपेंड करता है, उसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन दी जिसको नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। तो नस्ट इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, इट इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो आपसे आ जाए व्हाट इज नस्ट इक्वेशन, तो आपको क्या लिखना है, इट इज़ ए इक्वेशन, इट इज़ ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोड डिप्ड रहता है, ठीक है, जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया है, दैट सॉल्यूशन इज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर आयंस होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। आप इसको सेवन्थ क्लास से या एट्थ क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन एंड द सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में रिलेशन हमें कौन देता है, नस्ट इक्वेशन से पता चलता है, ठीक है। नस्ट इक्वेशन गिव द रिलेशन बिटवीन द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाई, जैसे सपोज करो यू हैव एनी मेटल एंड बेयरिंग द चार्ज ऑफ एन पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट बैक इनटू मेटल, मींस दैट इज रिडक्शन। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो नस्ट इक्वेशन होती है, नस्ट इक्वेशन विल यूज एसआरपी ओनली, इसके अंदर एसआरपी यूज किए जाएंगे। अब एसआरपी को एसओपी में बदलना आपकी जिम्मेदारी होता है कि भाई रिडक्शन आपको दिखाना है दोनों ही इक्वेशन में। लेकिन हमने बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, मींस एक इलेक्ट्रोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है दैट इज एनोड, और एक पर आपका रिडक्शन होगा दैट इज कॉल्ड कैथोड, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर नस्ट इक्वेशन के अंदर हम एसआरपी यूज करते हैं। एसआरपी में जैसे ई नोट एम एन पॉजिटिव एम, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसका मतलब होता है रिडक्शन एसआरपी। और अगर ई नोट एम एम एन पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, एसओपी, ठीक है। एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन
पोटेंशियल जो कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में गिवन होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और मैंने बताया था ये दोनों की जो वैल्यू होती है सेम होती है, बट इनका जो डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। तो आप लिख सकते हैं SRP इज इक्वल टू माइनस SOP, ठीक है, कि अगर आपके पास SRP है तो SOP की जो वैल्यू होगी इसके नेगेटिव की हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया था E नॉट जब हमने कैलकुलेशन किया था मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसमें मैंने निकाला था ZN टू पॉजिटिव, ZN इज इक्वल टू माइनस 0.76 है। तो और हमें क्या निकालना है, E नॉट ZN, ZN टू पॉजिटिव निकालना है, तो ये माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.76, दैट विल बी 0.76 वोल्ट। आई बात समझ में, यहाँ पर तो ये क्या था, रिडक्शन था, पॉजिटिव से जीरो हो गया, यहाँ जीरो से टू पॉजिटिव हो गया, तो दैट इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट इक्वेशन, भी नेक्स्ट इक्वेशन पर जाने से पहले आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, SRP और SOP कब लिखा जाएगा और कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। तो उन्होंने एक इक्वेशन यूज़ की दैट विल इज द रिडक्शन, तो हमें क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है, अभी हमें सेल पोटेंशियल निकालना है यहाँ पर, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है, क्या है, सिर्फ रिडक्शन है, ठीक है। तो नष्ट ने एक इक्वेशन दी थी, E इज इक्वल टू E नोट एम एन पॉजिटिव एम माइनस RT अपॉन NF LN एम अपॉन MN पॉजिटिव, दैट इज योर नष्ट इक्वेशन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये नष्ट इक्वेशन है, अगर आपको आता है कि भाई किसी इलेक्ट्रोड के लिए नष्ट इक्वेशन लिखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम डैनियल सेल की बात करें, डैनियल सेल की अगर हम बात करें तो डैनियल सेल में क्या होता है, जैसे ZN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, इट विल गिव ZN, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू E नोट ZN2 पॉजिटिव ZN माइनस RT अपॉन N, क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन लिए हमने, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2, तो 2 F आ गया LN Z अपॉन ZN2 पॉजिटिव, ठीक है, ये है यहाँ पर, ये मेटलिक फॉर्म में सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि EM इज टेकन एज 1, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, सो एम विल चेंज टू 1। तो ये क्या होगा कि भाई जो कंसंट्रेशन एम है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसका क्या बन जाएगी इक्वेशन, E इज इक्वल टू E नोट ZN2 पॉजिटिव ZN माइनस RT अपॉन 2F LN 1 अपॉन ZN2 पॉजिटिव, ठीक है भाई। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 1 में चेंज हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास, E इज इक्वल टू E नोट एम एन पॉजिटिव एम माइनस RT अपॉन NF LN 1 अपॉन MN पॉजिटिव, ठीक है, इतना आएगा, दैट इज नेक्स्ट इक्वेशन। ये किसके लिए है, रिडक्शन के लिए है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये आपने पढ़ लिया, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज नेक्स्ट इक्वेशन, गिव इट इज एक्सप्रेशन एंड
एक्सप्लेन द इट्स टर्म, जो इट्स टर्म है उसको एक्सप्लेन करने की भी हर एक टर्म क्या है। तो मैं यहाँ पर हर एक टर्म आपको बता देता हूँ क्या होती है। नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर ये आपको पता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। आर क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, कैपिटल आर, ये आपने बहुत बार पढ़ा है। एन क्या हो गया, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, ठीक है। टी क्या हो गया, टेम्परेचर, इसको हमेशा केल्विन में लेते हैं और ये हमेशा 298 केल्विन लिया जाता है जब हम भी बात करते हैं। एफ इजिकल टू क्या है, फेराडे कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलम पर मोल, ठीक है। ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए जब हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, अभी आपको ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और एलएन को लॉग में बदल लेंगे क्योंकि इंडिया के अंदर लॉग ज़्यादा यूज़ होता है एलएन से ज़्यादा। एलएन क्या होता है, नेचुरल लॉग होता है, और लॉग नेचुरल लॉग लॉगरिथम एलएन, ठीक है। और जो लॉग होता है वो लॉग बेस 10 होता है, नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस होता है वो ई होता है एक्सपोनेंट, ठीक है भाई। तो देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, हम आर की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू रख देंगे और एलएन को लॉग में चेंज कर लेंगे, तो ये वैल्यू एकदम से चेंज हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम इनमें इन सब की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू E नॉट एम एन पॉजिटिव एम माइनस 0.0591 अपॉन एन, एंड दैट विल बी, इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, कभी आप लोग सोचेंगे कि भाई ये याद कर रखा था, लेकिन आपको भी याद ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी छोड़ता हूँ जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। माइनस आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू 298 अपॉन और एन 96500 और ये हो जाएगा 2.303 लॉग 1 अपॉन एम की पावर एन प्लस 2, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को, इसको एन को छोड़ देंगे यहाँ से, सॉरी, इस वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा E इज इक्वल टू E नॉट एम एन पॉजिटिव एम माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव। इस स्क्वायर ब्रैकेट का तो मतलब आपको पता ही है, दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। ये आपने क्लास 11th में 7th चैप्टर में पढ़ा है ना, एक्टिव मास इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज, तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको क्लोज करके लिखते हैं, इसका मतलब हम मोलर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, मोल पर लीटर, ठीक है भाई। तो ये इतना आपका कवर हो गया यहाँ तक। तो वैसे ही हमने जिंक के लिए लिखा था, अब जिंक की इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाँ जिंक की इक्वेशन क्या बन जाएगी, जिंक की इक्वेशन बन जाएगी ई जेड एन इज इक्वल टू ई नोट जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन माइनस 0.05591 अपॉन टू लॉग 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये हो गया, कौन सा सेल था ये हमारा, ये कौन से पे रहता है, ये हमारा रहता है एनोड, रिडक्शन में एनोड है, ठीक है, डेनिल सेल में। और इसका कैथोड क्या रहता है, कैथोड ऑफ डेनियल सेल, कैथोड ऑफ डेनियल सेल इज Cu, तो ये क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट विल गिव Cu,
तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ई सी यू इज इक्वल टू ई नोट सी यू टू पॉजिटिव सी यू माइनस 0.0591 अपॉन टू लॉग 1 अपॉन सी यू टू पॉजिटिव का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2। सेम बनेगा ना, जैसे हमने यहाँ पर किया इस इक्वेशन को देखकर, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर आप देखो ये आ गया, यहाँ पर ये n की जगह 2 आ गया क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर हुए थे, Mn2 पॉजिटिव की जगह Cu2 पॉजिटिव आ गया, सभी के लिए सेम लिखना है ठीक है। लेकिन ये हो गया इलेक्ट्रोड के लिए, ये कैथोड का हो गया ठीक है, ये एनोड का हो गया एनोड ठीक है भाई, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब हमें क्या करना है, ई सेल निकालना है, ई सेल, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। ये हमने कहाँ से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताया था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इधर ध्यान दीजिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड बताया था। तो ई कैथोड की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस वन कैथोड, और ये तो क्या लिखेंगे भाई हम, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, इसकी जगह ये लिख देंगे, ये पूरी इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पर ई कैथोड की जगह, तो क्या आएगा, ई नोट सी यू टू पॉजिटिव अपॉन सी यू माइनस 0.0591 अपॉन टू लॉग 1 अपॉन सी यू टू पॉजिटिव ओके माइनस ई नोट जेड एन टू पॉजिटिव जेड एन माइनस 0.0591 अपॉन टू लॉग 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव ओके। ये आ गया, अब इसको और इसको एक साथ रख लेंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सी यू टू पॉजिटिव सी यू माइनस ई नोट जेड एन टू पॉजिटिव अपॉन जेड एन माइनस। देखिए इन दोनों को हमने एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि स्टैंडर्ड है और स्टैंडर्ड डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह ई नोट सेल लिख देंगे, इन दोनों को मिलके क्या बना, ई नोट सेल, सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ठीक है। ये माइनस, ये एज इट इज आ जाएगा माइनस 0.591 अपॉन टू लॉग 1 अपॉन सी यू टू पॉजिटिव, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 0.0591 बाय 2 लॉग 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव स्क्वायर ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, ई नोट ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 बाय 2 कॉमन ले लिया हमने, ये क्या किया, ये वाला और ये वाला कॉमन ले लिया, लेकिन हमने क्या किया है माइनस में कॉमन लिया है। जब हम इसको माइनस में कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा लॉग 1 अपॉन सी यू टू पॉजिटिव माइनस लॉग 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव। यहाँ तक आ गया समझ में, ये बन जाएगा। देखिए ये सिर्फ समझाने के लिए हमने डैनियल सेल लेके चले शुरू से ही, चाहे सेल नोटेशन की बात हो या डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, उन सभी में हमने किसको लेकर चले हैं हम, डैनियल सेल को। तो डैनियल सेल सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यूज़ किया है, अभी मैं दूसरा सेल इक्वेशन दूंगा उससे भी आपको आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस, अब देखिए 0.0591 बाय 2 लॉग 1 अपॉन सी यू टू पॉजिटिव अपॉन 1 अपॉन जेड एन टू पॉजिटिव। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी ठीक है। जब लॉग में दो वैल्यू माइनस में होते हैं तो वो अपॉन में चले जाते हैं जब हम उनको कंबाइन करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये ए था या बी था, तो ए अपॉन बी हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 591 बाई टू लॉग
Zn2 positive and Cu2 positive. That is next equation for Daniell cell. ये डैनियल सेल के लिए क्या आ गई हमारे पास, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई. ठीक है भाई, आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? तो ये किस कौन सी फॉर्म थी? ऑक्सीडाइज फॉर्म थी. अब आप देखेंगे कि डैनियल सेल के लिए ओवरऑल इक्वेशन क्या होती है, इसको और इसको ऐड कर देंगे हम तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आती है, ओवरऑल रिएक्शन क्या आएगी भाई डैनियल सेल में? ओवरऑल सेल इक्वेशन क्या होती है, ओवरऑल सेल इक्वेशन फॉर डैनियल सेल इज इक्वल टू क्या होती है, जेड एन प्लस सी टू पॉजिटिव, इट विल गिव जेड एन टू पॉजिटिव प्लस सी यू. तो देखिए जो कंसंट्रेशन किधर आते हैं, जिसका रिडक्शन होता है वो तो नीचे आएगी हमेशा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा ऊपर आते हैं. ठीक है, जिसका रिडक्शन हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है ना, तो वो नीचे आया, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऊपर आया. तो हम क्या लिख सकते हैं, फॉर ए सेल द नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन. ये है कुल मिला के बाद ये होती है. ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसको ऊपर दैट इज, और जिसका रिडक्शन हुआ है उसको नीचे. ठीक है भाई, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ. अभी तो आपको नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, फिर हम सेल पोटेंशियल भी कैलकुलेट करेंगे. जैसे मैंने आपको दे दिया कि भाई सेल नोटेशन दे देता हूँ, कौन सी, Sn2 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, H2 Pt, दैट इज. तो इसमें आपको क्या आएगा, एट एनोड ऑक्सीडेशन. देखिए मैंने यहाँ पर एक सेल नोटेशन लिखी है, इस सेल नोटेशन से आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पर रिडक्शन हो गया. मीन्स ये क्या है आपके पास, SHE है, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो क्या आएगा इसमें, SN इट विल गिव SN2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, एंड एट कैथोड दैट विल बी रिडक्शन. तो क्या आएगा, 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव H2. ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल सेल रिएक्शन पर क्या बन जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे. क्या आएगा, Sn प्लस 2H पॉजिटिव, इट विल गिव Sn2 पॉजिटिव प्लस H2. देखिए मैंने जो स्टेटमेंट लिखा था कि भाई प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड के लिए क्या होती है, जीरो होती है. तो यहाँ पर इसके लिए क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल विल बी रिटन एज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.05 अपॉन 2 आएगा. देखो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लॉग ऑक्सीडेशन किसका हुआ, इसका Sn2 पॉजिटिव, और इसके साथ क्या है हमारे पास, H2 है, तो PH2 आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. इधर देखिए क्या आएगा, H पॉजिटिव, इसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 2 है, तो जिसका जितना कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर लग जाएगी, तो यहाँ पर H2 का H पॉजिटिव का स्क्वायर आ जाएगा. तो दैट इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल. तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, आपको एक सेल नोटेशन दी जाएगी और आपसे नेक्स्ट इक्वेशन पूछी जाएगी.
तो पहले सबसे पहले आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, सेल इक्वेशन से आपको एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है ये दिखाना होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है वो दिखाना होता है, फिर इन दोनों को ऐड करके हम ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। ओवरऑल रिएक्शन से आपको कोफिशियंट का पता चल जाता है, तो कोफिशियंट इसका 2 है तो इसलिए इसकी पावर 2 आ गई। ठीक है, यहाँ पर SN का कोफिशियंट बनता है तो इसकी पावर कुछ नहीं आएगी, 1 ही हो जाएगी, वो अंडरस्टूड है। और ये हाइड्रोजन गैस थी, अगर यहाँ कोई सॉलिड या लिक्विड होता तो यहाँ हम कुछ नहीं लेते। ठीक है, अभी ये यहाँ पर गैसियस फॉर्म में है तो pH 2 हमें लिखना पड़ा। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी बुक में और भी एग्जाम्पल हैं जिसमें आपको सेल नोटेशन से नष्ट इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नष्ट इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन मिल सकती हैं, ये वैल्यू गिवन मिलेगी ये, और इस आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये निकालना पड़ता है। इसमें सेल नोटेशन में देखिए और भी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, अभी मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ आपको। देखिए एक एग्जाम्पल कर लीजिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, फिर हम इसमें इक्विलिब्रियम एक्सप्लेनेशन कराएंगे। फॉर जर्नल इक्वेशन क्या लिखते हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल करा देते हैं। देखिए जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव 0.001 m। ठीक है, ठीक है भाई। और यहाँ पर आपको दे रखा है H पॉजिटिव 1 m एंड H2 180 m और 1 bar, दैट विल बी सेम PTS। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको गिवन होगा, ये वैल्यू दे रखी है आपके पास Fe2 पॉजिटिव, दैट इज 44.044 V होती है। देखिए कैसे, तो यहाँ पर एट एनोड आप लिखेंगे क्या होगा, ऑक्सीडेशन FeS इट विल गिव Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ए नोट की वैल्यू क्या इतनी आएगी, ई नोट की आएगी 0.44। देखिए ये जो वैल्यू गिवन है माइनस में गिवन थी किसके लिए, ई नोट Fe2 पॉजिटिव एंड Fe, तो ये था हमारे पास SRP। लेकिन यहाँ पे जो हमने लिखा है ये ऑक्सीडेशन लिखा है, तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव बन गया, दैट इज SOP। तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन में ये पॉजिटिव होता जाता है एट कैथोड, दैट विल बी रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या आएगा, 2H पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट विल गिव यू H2 गैस। और ए नॉट की वैल्यू हमने इसमें कल बताई थी कि SHE के लिए वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ए नॉट सेल निकालने के लिए क्या होता है, ए नॉट सेल निकालने के इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.0 प्लस 0.44, तो ए नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 0.44 वोल्ट हो गई। ठीक है भाई, और इसमें ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन तो ये हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, Fe प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस इट विल गिव Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस। ठीक है, तो अब E सेल हमें निकालना था, तो वो क्या हो जाता है, E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 क्यों आएगा, क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, दो और यहाँ पर भी दो,
तो दो दो इलेक्ट्रॉन है इसलिए टू आ गया लोग। अब यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव एंड PH2 आएगा और नीचे क्या आएगा H पॉजिटिव जिसका रिडक्शन हुआ है। कितनी है इसका कोफिशेंट टू है, टू आ गया ठीक है। अब इन और सेल की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली तो ये आई थी हमारे पास 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन टू लोग। Fe की कंसंट्रेशन कितनी है ये है 0.001 अपॉन, इसकी कंसंट्रेशन 1 थी तो 1 का स्क्वायर और ये भी 1 था तो ये 1 आ गया। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, ये 1 दे रखी है ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है भाई। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 0.44 माइनस 0.059 अपॉन 2 लोग। ए वैल्यू 1 से 1 कैंसिल भी हो जाए कोई बात नहीं, 1 ही रहता है। 10 की पावर माइनस 3 आ गया तो ये आ जाता है लोग 10 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ आप हमेशा याद रखेंगे 0.44 माइनस 3591 अपॉन 2 इंटू ये माइनस 3 टू 1 आ जाएगा लोग 1 की वैल्यू। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा 0.44 माइनस माइनस प्लस 0.059 अपॉन 2 इंटू 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा 0.44 प्लस, इसको देखिए इसको काटेंगे 1.5 की मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे तो क्या आएगा भैया 0.0, इसको क्या कर लेंगे हम 0.44 प्लस 0.09 मान लेंगे तो क्या आएगा 0.53 वोल्ट आ जाएगा। दैट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको आएगा फाइंड ईएमएफ ऑफ द सेल, सेल का ईएमएफ आपको फाइंड आउट करना था तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा ठीक है। आई बात समझ में? तो आज हम कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ तक ही छोड़ देते हैं, वैसे तो हमें ये काफ़ी करना था लेकिन बहुत लंबा हो गया, ये इतना नहीं होना चाहिए था लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितनी भी अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी वो यहाँ पर आने तक ही पड़ी थी ठीक है, ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। दैट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर ओके। तो कल हम इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और गिब्स फ्री एनर्जी और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ नेस्ट इक्वेशन ये सारी चीज़ें कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।